यह है दुनिया का सबसे सस्ता कंप्यूटर और ये जो है स्टूडेंट के लिए काफी बेस्ट प्रोजेक्ट है। इसके अंदर आप YouTube देख सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो और बहुत सारे काम कर सकते हो। इसको कैसे बनाते हैं इस वाली वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं, तो फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब। इस कंप्यूटर को बनाने के लिए हमें बहुत कम चीज चाहिए। सबसे पहले लेना होगा एक रेसबेरी पाई, इसके बाद एक स्क्रीन लेनी है जो कि आप अपने अनुसार ले सकते हो, आपको कितनी बड़ी साइज की चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एक कीबोर्ड और माउस लेना होगा ताकि हमारे कंप्यूटर को हम ऑपरेट कर सकें। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आपको क्लिक करना है और इस सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करोगे नीचे की साइड पे और यहाँ पर आपको डाउनलोड का बटन दिखेगा। इसके ऊपर आपको जैसे क्लिक करोगे तो आपको जो इसको कंप्यूटर के अंदर सेव करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पर इसको सेव कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, काफ़ी सिंपल सा इंटरफेस है। अब यहाँ पर आपको 32 GB की एक मेमोरी कार्ड लेनी है, अपने कंप्यूटर के अंदर इसको लगा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले ISO इसके अंदर सेलेक्ट करना है। तो सबसे ऊपर का जो आप देख सकते हो यहाँ पर रेसबेरी पाई लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको सेलेक्ट करना है इसको। उसके बाद आपको दूसरा जो बटन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है और आपकी जो मेमोरी कार्ड है इसके अंदर ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा उसका नाम। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने 4 GB का यूज़ किया है जो कि इसके अंदर सपोर्ट नहीं होगा, लेकिन आपको यहाँ पर 32 GB का कम से कम यूज़ करना है, ठीक है भाइयों। तो यहाँ पर आपको इसको ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा बटन यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ही लिखा आएगा कि ये जो हमारा मेमोरी कार्ड के अंदर डाटा है सारा का सारा इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले से उसका डाटा निकाल देना है सारा। उसके बाद ओके करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो एरर दिखा रहा है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर 4 GB की मेमोरी कार्ड है और यहाँ पर हमें 32 GB के चाहिए, ठीक है। तो ये जो है प्रोसेस आपको लगभग 1 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी आप जैसे ओके करोगे इसके अंदर। उसके बाद मेमोरी कार्ड जो है इसको हम निकाल कर हमारे जो यहाँ पर देख सकते हो रेसबेरी पाई है उसके नीचे की साइड में लगा देंगे इस टाइप से। अब यहाँ पर हमें एक स्क्रीन लगानी होगी, तो यहाँ पर मैं छोटी स्क्रीन नहीं लगाऊंगा क्योंकि इसमें कुछ भी दिखेगा नहीं, तो यहाँ पर मैं बड़ी स्क्रीन लगा रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है, 7 इंच की। अगर आप चाहते हो बड़ा आपको मॉनिटर लगाना है तो मॉनिटर भी लगा सकते हो आप इसके अंदर इजीली। तो यहाँ पर हम देख सकते हो कि हमारी HDMI केबल जो है उसको लगा देंगे और यहाँ पर एक माइक्रो USB जो है उसको भी हम लगा देंगे और यहाँ पर स्विच को हम ऑन कर देंगे। अब HDMI केबल जो है हमारी डायरेक्टली हमारे रेसबेरी पाई में लगा देंगे और यहाँ पर जो है हम 5 वोल्ट सप्लाई जो इसके अंदर देने वाले हैं वो आपको ध्यान रखना है कि कम से भी कम 2 एम्पेयर तो होना चाहिए, कम से कम 2 एम्पेयर यहाँ पर हम देंगे इसके अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा आप दे सकते हो। अगर आप 2 एम्पेयर से कम दोगे तो यहाँ पर हमारा पावर सप्लाई इशू आएगा, तो बाद में बार बार हमारा बंद कर देगा सिस्टम को। अब फाइनली गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो हमने स्क्रीन को भी सप्लाई दे दी 5 वोल्ट की और रेसबेरी पाई को भी दे दिया यहाँ पर सप्लाई। अब जैसे चालू करोगे तो यहाँ पर क्या है कि कुछ टाइम तो यहाँ पर बंद चालू होगी ये स्क्रीन और उसके बाद ये चलना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारा जो है माउस लगा देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो हम कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर टाइम जोन सेलेक्ट करके इसको ओके कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये इस टाइप से होने के बाद में आपको यहाँ पर ID बनानी है, ठीक है। तो फाइनली गाइज यहाँ पर इसमें कुछ भी ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, अपना नाम डालना है, अपना पासवर्ड डालना है, ID पासवर्ड डालना है, सब कुछ डालना है और यहाँ पर रिस्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो फाइनली गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो यहाँ पर रिस्टार्ट होकर वापस चालू हो चुका है। अब यहाँ पर इसको वाईफाई से कनेक्ट कर देंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपने वाईफाई से इसको कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर जो है आप मोबाइल से डायरेक्टली इसको चला सकते हो, मोबाइल का वाईफाई लगाकर, या फिर आप इसके अंदर इंटरनेट की केबल भी लगा सकते हो। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रहा है, जैसे हमने इसको वाईफाई पे कनेक्ट किया तो यहाँ पर ये थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद रीस्टार्ट कर दिया इसको मैंने, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था मेरे पास रेसबेरी पाई, तो यहाँ पर क्या है कि इसका जो सॉफ्टवेयर अब नया आ चुका होगा तो इसलिए अपडेट मांग रहा था, ठीक है। फाइनली गाइज यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर बन चुका है, इस टाइप से देख सकते हो आप यहाँ पर सब कुछ चला सकते हो, लेकिन ये सारा का सारा बिखरा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा कंप्यूटर टाइप का बनाएंगे ताकि कुछ भी सामान इधर उधर बिखरा ना रहे, क्योंकि अभी स्क्रीन अलग है और हमारा रेसबेरी पाई अलग है, सब कुछ अलग है। तो यहाँ पर जो हमारी स्क्रीन आई थी उसी स्क्रीन बॉक्स के अंदर यहाँ पर पूरा सिस्टम में फिट करूँगा ताकि हमारा जो बजट है ना ज़्यादा ना जाए। अगर आपके पास बजट है थोड़ा बहुत बना सकते हो आप, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप कोई डिब्बा विब्बा खरीद के उसके अंदर लगा सकते हो या फिर कहीं और 3D प्रिंटर से भी आप बनवा सकते हो इसका पूरा बॉडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने क्या करा है कि स्क्रीन का साइज लेके इसको यहाँ पर मैं चाकू के द्वारा कट कर दूंगा। तो फाइनली यहाँ पर ये हमारा कट हो चुका है इस टाइप से। अब यहाँ पर अंदर की साइड से हमारी स्क्रीन को लगाएंगे, स्क्रीन लगाने के बाद ग्लू गन से यहाँ पर अंदर की साइड से चिपका दूंगा मैं इसको, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे चिपका देंगे ताकि ये निकले नहीं बाद में।
अब यहाँ पर साइड में मैं कट लगा दूंगा। इस कट का लगाने का कारण ये है कि इसके अंदर जो वायरिंग हम करेंगे वो बाहर की साइड में निकल जाए, इसका पावर केबल, और उसके बाद में इसके अंदर जो हम माउस लगाएंगे और कीबोर्ड लगाएंगे उसके लिए रेसबेरी पाई के लिए भी हमने कट लगा दिया है, और यहाँ पर साइड में लगाकर इसको हम चिपका देंगे। तो भाई ये जो है काफ़ी सिंपल सा कंप्यूटर है, अगर आप अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। आप देख सकते हो छोटा सा हमारा एक बॉक्स के अंदर हो चुका है, और ये कॉम्पैक्ट साइज का है, और इसमें क्या है अगर आप 3D प्रिंटर से इसको इसका पूरा बॉक्स बनाओगे तो काफ़ी स्लिम भी हो जाएगा, टेबलेट जैसा बन जाता है ये पूरा। तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हो बॉक्स हमारा पूरा लग चुका है, और अंदर की साइड में इस टाइप से हमने रेसबेरी पाई को चिपका दिया है। पूरी वायरिंग भी हमने यहाँ पर कर दी है, जैसे बाहर कर रखी थी वैसे। वायरिंग में कुछ भी नहीं है, हमें एक HDMI केबल को लगाना है और रेसबेरी पाई को 5V देना है, और उसके बाद में हमारी स्क्रीन को भी 5V देना है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी वायरिंग हो चुकी है, वायरिंग के नाम पर मतलब मजाक है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कोई बच्चा भी कर देगा इसको, ठीक है। फाइनली गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा पूरा सिस्टम बनके तैयार हो चुका है। हमने यहाँ पर जो है रेसबेरी पाई के अंदर भी सप्लाई दे दी है, और कीबोर्ड लगा दिया है, माउस लगा दिया है दोनों को, और यहाँ पर जो है हमारा पूरा सिस्टम चलने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये छोटा सा कॉम्पैक्ट साइज का, आप इसको कहीं उठा के भी ले जा सकते हो, और अगर आपको यूट्यूब चलाना है इसके अंदर या फिर कोई गेम खेलना, गेम तो ऐसे ज़्यादा हैवी नहीं चलेगा इसके अंदर, आप चाहो कि हम GTA 5 खेल लें इसके अंदर तो ऐसा हैवी नहीं चलेगा, आप छोटा बड़ा गेम खेल सकते हो इसके अंदर, मारियो। और यहाँ पर आप यूट्यूब चला सकते हो, आप इसके अंदर जो है अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, या फिर कोई पढ़ाई वढ़ाई करनी है आपको, कुछ PDF डाउनलोड करके आपको इसके अंदर पढ़ना है तो आप वो कर सकते हो, और जैसे हमारे जो कंप्यूटर के अंदर काम होते हैं ना छोटे छोटे वो काम कर सकते हो इसके अंदर। लेकिन आप जैसे चाहो कि हम इसके अंदर गेमिंग कर सकें या फिर एडिटिंग कर सकें तो ऐसा ज़्यादा बड़ा काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसमें एक काम और हो सकता है कि आप यूट्यूब पर जाके मिस्टर धारुनिया यूट्यूब चैनल सर्च करिए, और उसके बाद में जो चैनल आएगा उसके अंदर आप वीडियोज़ को देखिए, इसके अंदर आपको काफ़ी नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहेगी, और आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो, सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं है, फ्री में करिए, ठीक है। अभी देखिए मैंने 20 रुपये में आपको ड्रोन की मोटर बनाना सिखाया था, इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छे वीडियोस आए, तो इसको आप जैसे आप YouTube पे वीडियो देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से चलेगा। आपको अभी हाल दिख रहा होगा कि अटक रहा है, ये इसलिए अटक रहा है क्योंकि नेट का इशू आ रहा है, क्योंकि हमारा नेट जो है काफ़ी स्लो चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी जो स्पीड आ रही है काफ़ी कम आ रही इसके अंदर, और ऊपर की साइड में देख सकते हो लो वोल्टेज दिखा रहा है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो हमने OnePlus का चार्जर लगाया ना, वो OnePlus का चार्जर हमारे OnePlus के साथ में ही हाई एम्पियर निकालता है, अदर दूसरे के हम सप्लाई देंगे तो काफ़ी लो वोल्टेज एम्पियर निकालेगा। तो इसके अंदर आप ध्यान रखिए, कुछ दूसरा वाला चार्जर लगाइए। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा कंप्यूटर काफ़ी अच्छे चल रहा है।